कर ले प्यार करने के दिन है यही, पर जोड़ी से कोई देखे ना कहीं। सुरों की मल्लिका आशा भोसले आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया है। आशा जी अभी तक 1000 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गा चुकी हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने 20 भाषाओं में करीब 14,000 गीतों को अपनी आवाज दी है और वो गीतों की संख्या के हिसाब से देश की ही नहीं दुनिया की नंबर 1 सिंगर है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी आशा भोसले को बी ग्रेड की गायिका माना जाता था। उन्हें वो ही गाने दिए जाते थे जिनको बड़ी गायिकाएं ठुकरा देती थी। क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले गायिका के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां चेन की मालकिन भी है। क्या आप जानते हैं कि करियर में इतना सफल होने के बावजूद आशा भोसले की पारिवारिक जिंदगी हमेशा उथल पुथल भरी रही है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को बंबई में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर एक्टर और थिएटर कंपनी के मालिक थे। जब आशा जी 9 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर सिंगिंग और एक्टिंग शुरू कर दी थी। दोनों बहनें मिलकर परिवार का खर्च उठाती थी। आशा जी ने 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में पहला गीत चला चला नववाला गाया था। में उन्हें पहली बार हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में पहला गीत गाया था। एक थिएटर कंपनी के मालिक की बेटी होने के बावजूद आशा भोसले को अपने करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उस जमाने में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का खूब नाम हुआ करता था। जब ये तीनों गायिकाएं कोई गाना छोड़ देती थी तभी वो आशा भोसले को दिया जाता था। यही कारण है कि 50 के दशक में वैम्स, बैड गर्ल्स या सेकेंड ग्रेड की फिल्मों के ज्यादातर गाने आशा ताई ने गाए हैं। हालांकि इस तरह के गाने उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगातार ऐसे ही गाने मिलते रहे तो उन्होंने इसे ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। सज गया मुझ पे जादू, सवरिया, सज गया मुझ पे जादू। उन्होंने उम्र के हर मोड़ पर अपनी आवाज को एक नया आयाम दिया। शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे। उनकी आवाज, उनकी कला और उनके बहुआयामी करियर पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी उस पर्सनल लाइफ की जो उन्होंने खुद बनाई और बिगाड़ी। क्या क्या नजारे दिखाती हैं अखियां, क्या क्या नजारे दिखाती हैं अखियां। हालांकि ये भी कहा जाता है कि किस्मत और हालात का उनकी जिंदगी को हर वक्त नया मोड़ देने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आशा भोसले की पर्सनल लाइफ में कई तूफान आए। उन्हें 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के 31 साल के उम्र वाले पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने गणपत राव से शादी कर ली थी। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीते लेकिन फिर झगड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने
तो गणपत और उनके भाई आशा को पीटने लगे थे। गणपत के परिवार वाले आशा को उनके घर के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं देते थे। उन्होंने कई बार अपनी लता दीदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो 1960 में वो दो बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ गई। उस समय आशा प्रेग्नेंट भी थी। दोनों एक दूसरे से 1960 के आसपास अलग हो गए। आशा जी फिर से अपने परिवार में लौटी और संगीत की दुनिया में जगह बनाने के लिए कोशिशों में जुट गई। तब तक वो तीन बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसके बाद आशा ताई की जिंदगी में आए ओपी नैयर। दरअसल आशा भोसले आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे ओपी नैयर साहब। उन्होंने आशा की आवाज की रेंज का पूरा फायदा उठाया। ओपी नैयर ने आशा भोसले से ऐसे ऐसे गाने गवाए जिनसे उनकी आवाज को एक नया आयाम मिला। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए थे। हालांकि यही प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बन गया। जब दोनों की मुलाकात हुई तो ओपी नैयर पहले से शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। एक शादीशुदा शख्स जिसके बाल बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम बंबई में घूमा करते थे। जाहिर है उस जमाने में हिंदी सिनेमा के लिए ये काफी सनसनीखेज बातें थी। हालांकि दोनों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध करीब 14 सालों तक चला। कहते हैं ओपी नैयर की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया और आशा भोसले उनसे शादी नहीं कर पाई। उनके बच्चे बड़े होने लगे थे तो समाज और सम्मान की परवाह भी होने लगी थी। जब कोई समाधान न मिला तो आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में बेधड़क पूरी मुंबई घूमने वाली आशा भोसले ने उनका साथ एक झटके में छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। कहते हैं इस गीत में आशा भोसले ने अपने दिल का दर्द साफ झलकाया था। यह गीत उतना सजीव रहा कि उसे सन 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा भोसले उस समारोह में नहीं गई थी तो वहां मौजूद ओपी नैयर को उनकी तरफ से ट्रॉफी लेनी पड़ी। कहते हैं घर वापस लौटते समय ओपी नैयर ने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और एक दिन आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास होता तब तक नुकसान हो चुका था। उन्होंने सन 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट और कार आदि सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। इधर इसी दौरान आशा भोसले की मुलाकात एसडी बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन यानी आरडी से हुई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। दोनों ने बहुत से गाने साथ में गाए। इसके बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। यहाँ एक बात खास है कि आरडी बर्मन आशा जी से 6 साल छोटे थे। दोनों की ही एक एक शादी टूट चुकी थी, लेकिन ये शादी काफी हद तक सफल रही और आरडी बर्मन ने कई वर्षों तक आशा का साथ दिया। हालांकि 80 के दशक के अंत में इन दोनों का भी तलाक हो गया, लेकिन आशा और आरडी के संबंध दोस्ताना बने रहे। जब सन 1994 में आरडी बर्मन को दिल का दौरा पड़ा तो आशा भोसले ही उन्हें लेकर अस्पताल गई थी। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका।
आशा जी के बड़े बेटे का नाम हेमंत था, जिनका निधन हो चुका है। उनकी बेटी वर्षा ने भी 8 अक्टूबर 2012 को सुसाइड कर लिया था। आशा ताई के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले इन दिनों उनकी देखभाल कर रहे हैं। आशा भोसले जितना सुरीला गाती है उतना ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। उनके हाथ का बना कढ़ाई गोश्त और बिरयानी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है। एक बार आशा जी से पूछा गया था कि अगर वो सिंगर ना होती तो क्या करती, तब उन्होंने जवाब दिया था कि वो एक अच्छी कुक बनकर पैसे कमाती। आशा जी अपने रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। दुबई और कुवैत में आशाज नाम से उनके रेस्टोरेंट चेन फेमस है। आने वाले सालों में आशा जी के ब्रांड के 40 रेस्टोरेंट पूरे यूके के अंदर खोलने की प्लानिंग चल रही है। इनके अचीवमेंट्स में उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार नेशनल अवार्ड, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1997 में आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी आशा जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।